बोलो अल्लाह हाफिज़े, अल्लाह हाफिज़े, मेरा लड्डू हाफिज़े, सिंगम हाफिज़े, सुबह सुबह आ गए हम। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम शबी काशिफा ब्लॉग में। हमारे घर के लिए राशन भराने हैं। हमारे घर में भी राशन खत्म हो गया है, तो इसलिए सुबह सुबह आई हूं पहले राशन भराने। सुबह सुबह अंकल का मुंह देख लिया हमने और अंकल की बनी हो गई बड़ी वाली। क्या खा रहे हो? सिखाओ सिखाओ तो। ये औरत मस्जिद के नीचे छुप के क्या खा रही है क्या मालूम? आज रुक जाओ, गलत बात है। मुंह छुपा रहे इधर दीवानी। अस्सलाम वालेकुम उमेर। तो हम लोग आए हैं, किधर आए उमेर? बाल काटने। उमेर की स्कूल चालू होने वाली है 13 तारीख से और आज 9 तारीख है ना, तो उमेर का हेयर कट करेंगे जल्दी से जल्दी। सर देखो कैसा हो गया, बाप रे। मैं भी कटूंगा थोड़ा बहुत, बहुत देर से खड़ा है बाल कटाने। क्या आए नहीं तो मन भाई, कहाँ है तू? दुकान के बाजू तो खड़े, बाजू में दिखा। जो बाजू में दुकान है और उमेर खड़ा है, कब से खड़ा है, बहुत देर हो गया। हाँ। क्या नींद आ रही, कंटाल आ रहा है? क्या करने गए देखो, जाके खेलने गए? खेलने आने गए, बस खाली खेलो कूदो बस। तो ये उमेर अभी जस्ट ना आके तैयार हो चुके हैं, बाल दिखाओ घूमो। अरे वाह, स्कूल चालू हो चुकी है 13 तारीख से, तो स्कूल का बाल कट गया। और मेरी भी स्कूल चालू हो चुकी है, तो मैंने भी देखो बाल काट दिया एकदम बारीक। अच्छा लग रहा है, एकदम ठंडी ठंडी हवा जा रही है कानों के बाजू से, तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि नहीं? और ये मैं खड़ा हूँ, वो डेंजर जगह, अगर फ़ोन छूट गया तो सीधा जाएगा कछुए में, देखो। और आज सुबह धोने जा रही हैं कपड़े की जाए। बारिश की जाए, कैसे नाचेंगे? सलाम करो, चलो जाओ घर पे। तो मौसम बहुत डेंजर है, बाप रे बाप आज का। ये देखो बंद करो लाइट, बाहर आगे तो बाहर की लाइट बंद करो ना जरा। तो आज लग रहा है कि बारिश हो सकती है, ये देखो आज ऊपर वाले मेहरबान हो जाएंगे, आज लग रहा है पूरा लाल लाल हो गया। देखो सामने से कुछ तो गड़बड़ लग रहा है आज, कोई एलियन एलियन तो नहीं उतर रहे? ये देखो, ये देखो बाप रे, ये ब्रॉड में का होने वाली है, बारिश होने वाली है। अब तू क्या कर रहा है भाई? टीवी देख रहा हूँ। चलो ये देखो, अरे बाप रे, वो डेंजर भर रहा है आज। तो देखो आशीर्वाद क्या ढूंढ रहे हो? आशीर्वाद क्या ढूंढ रहे हो? और कैसा लग रहा है, ठंडा ना लग रहा है बाहर? अबे हवा तो आ रही है, देखो पूरा झाड़ हिल रहा है। देखो यार तो पता नहीं कहाँ से दिख रहा है, देखो देखो। हम लोग तो यहाँ सोएंगे, जाने तो जाएंगे वहाँ सोने। नहीं नहीं, अगर मौसम ठंडा रहेगा तो यहीं सोऊंगा ना। बारिश में आप वहाँ जाओगे? मैं तो कल सुबह नहाऊंगा बारिश। सवाल नहीं कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम। चमकादर भी घूम रहे आज, गजब। तो मेरा रोड में बारिश हो रही है, अब क्या बोलना चाहेंगे कुछ? तो अभी हमारा जाने का प्लान है भांजी का, और हमारे बच्चे लोग तो क्या दिख रहा खिड़की अंदर। तो अभी हमारा जाने का प्लान है मेरे अपने भांजी के यहाँ पे, मेरी भांजी मिल के आते। क्या क्या
हाँ तो अभी हम जाएंगे फटाफट अभी देखते हैं। तो मौसम की पहली बारिश, सबको मुबारक। ये देखो बारिश चालू हो गई है। ये देखो झाड़ पे गिल्ला हो गया। ये देखो सब भाग गया। देखो फटाफट नहीं सब खड़े थे ना यहाँ पे साइड में। पहली बारिश में कभी नहीं नाना, बहुत थोड़ी आती है। आवाज के साथ बारिश चालू। ओ माय गॉड, ये देखो भीग गया पूरा। मेरे ये बच्चों के लिए भी पहली बारिश है, दोनों बच्चों की। अच्छा सबको हैप्पी मॉनसून। हैप्पी मॉनसून। और मेरे दोनों बच्चों की भी पहली बारिश है, दोनों सूंघ रहे हैं। सूंघ रहे, स्मेल आ रही ना मिट्टी की बारिश की। हाँ इसीलिए वो देखो। और सभी को बोलूंगी कि हैप्पी मॉनसून आप सभी को। पहली बारिश में मत नाना, बहुत फोड़ी आती है मुंह पे, तो ये गलती मत करना। लो जाना कैंसिल हो गया लग रहा है। रवाना बारिश चालू गई। ये देखो देखो बारिश हो रही है। अकेले अकेले ना देखो, दिन में भी रहता तो और मजा आती थी। अभी क्या करने चालू बारिश चालू। डांस करना जमाना, डांस करके बताना यहाँ जो बरसो रे मेघा मेघा। बाप रे, बाप रे मेरे कपड़े ना भीग गए। हाँ निकालना तो मेरे को फिर ना चाहू मेर बारिश आ लू। ये देखो इंडिया का मैच, आज पहला मैच है इंडिया और अफ्रीका का, और ये 20 ओवर हो चुके हैं। बारिश में जा रहे, ये देखो बारिश हो गई है, सब दीवाने हो गए लोग, बोले अपन बारिश में जा रहे। चलो नहाने चलेंगे बारिश में। चलो कौन कौन चलेगा, जल्दी हाथ ला लो जल्दी जल्दी जल्दी। कौन कौन नहाने जाएगा बारिश में, कौन कौन चलेगा? 1 2 3 अरे वाह दोनों जाएंगे। चलो चलते, चलो नहा के आएंगे। चलो चलो हाँ चलो चलो। पहली बारिश में डर है, इससे रुकने का नाम नहीं ले रही है। ओहो बारिश चालू हो गई, वाह 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 मजा आ गया। आज तो बहुत दिनों बाद चालू हो गई बारिश। ठंडा ठंडा पानी है बे। ओए आदिपा ओए, बहुत ठंडा पानी है बे। मजा आएगी, मैं तो सुबह खाऊंगा। ठंडा पानी है बे। हाँ बहुत ठंडा पानी आ रहा है। ए, भागो नहीं रे आएगा, कौन नहाएगा जल्दी? चलो नहाएंगे, चलो चलो कौन कौन नहाएगा? आ जाओ हाथ डालो इधर आओ, मैं डालता पानी। ये लो, ये लिया ठंडा पानी, ये लो ठंडा पानी, ये लो ठंडा पानी। चले मत कर, तू मत कर, हट जा दीवाने। ठंडा पानी चलो, ठंडा ठंडा पानी, याद आ गई नानी नानी। तो हम लोग कर रहे हैं मैगी पार्टी। ये देखो ये हंसते मैगी पार्टी कर रहे हो, मैगी खा रहे हो? हाँ खाओ खाओ। ये देखो मैगी खा रहे लोग, मैगी आती भी मैगी खा रहा है, मैगी खा रहे हैं। खाओ खाओ चलो, चीज़ के साथ भी, चीज़ के साथ चलो खा लो। आसिफा ये हरकतें होती है। देखो देखो नसीब से क्या हुआ कि अपन अभी रात को आए ये टाइम पे, नहीं तो अपने को पता भी नहीं चलता। ये रात को 1:30 बजे
हम लोग गाड़ी में वो डाल रहे हैं पन्नी, और किसी ने पेट्रोल चुराने की कोशिश की, ये देखो जलन के लिए भी करेगा किसी ने काट के खींचा। तो कोई चोरी नहीं किया अभी तक, इतनी गाड़ी रहती है। मैं बोला रास्ता पानी गिर रहा है, मैं वही सोचा क्या गिर रहा इतना। कैसे कैसे लोग हैं ना दुनिया में सही में। अभी अभी क्या इसको निकाल देना, तो ये पाइप आगे लगा पाओगे आप? काटा हुआ है, किसने पूरा काट के खींचा है, काट के खींचा है। अच्छा वाह, सुबह उबह नहीं आए, नहीं तो ऐसा पेट्रोल गिरता हुआ मालूम नहीं पड़ता ना। नहीं पालू पड़ता ना, पैर पे आता ना पेट्रोल, भी तो गिरा था आया ना। देखो इधर 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 देखो, और कहीं तो नहीं कुछ किया हुआ है? मतलब इतनी ठसन हो गई है क्या लोगों को तुम्हारे से? हो गया बोलना भाई, और काट ले जा। क्या बोलते, तो लॉक लगाया, बहुत अच्छा काम किया। बोलना भाई और काट ले, जितना पाइप काटने का नया ला के लगा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितनी जलन निकालनी है निकाल लो बाबा। तो जानू कहाँ जा रहे हैं? मेरे जानू को हो गई है पेट में एसिडिटी, नहीं भय तो नहीं रहा लग रहा, क्योंकि ये पाइप तुम्हारा बहुत मोटा वाला है, जाड़ा है। चलो हो गया, और बिजली क्या कड़क रही है जानू? लाइट रेडियो चालू है। हाँ मैं वही बोलूँ, पैर पे कुछ गिरा मेरे, आप बोले बारिश नहीं है, फिर भी इतना पानी कहाँ से बह रहा है? और मैंने ऐसा फट से उंगली लगाई ना जानू, नहीं तो उससे कितना बह रहा था पेट्रोल। मेन पेट्रोल किधर से बहता है? ये नीचे से नहीं, इसमें से, ये जो गया ना इसमें से, पाइप में से नहीं रहता है। अच्छा मेन ये तो लॉक है, तो लॉक था ना अपना, तो तभी तो नहीं चुरा पाया। अच्छा चलो फिर जा रहे हैं हम एसिडिटी की दवा लेने, एक नंबर, फटाफट चालू करो। तो मेरे जानू को गोली खिलवा दी जबरदस्ती वहीं खड़ा करवा के, इनको बोल रही हूँ एकदम मुँह में उंगली डालो और साइड में गाड़ी रोक के उल्टी कर लो, तो मान नहीं रहे मेरी बात, इसी वजह से खाना भी बहुत कम खाया मैं, पूरा पेट खाली हो जाएगा एकदम मस्त, सुकून और तसल्ली आ जाएगी, तो सुन ही नहीं रहे। किसने काटा पाइप? क्यों जलन, क्यों तकलीफ हो रही है भाई तेरी गाड़ी से यार, क्या हो गया? तो आपसे तो जलना बनता है यार, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा है क्या? ये तो बता, आप वहाँ गाड़ी खड़ी करते हो, चार साल से कर रहे हो, जगह अपनी बना के रखे हो, तो क्या पता किसी की चल रही होगी, है ही नहीं, तो इसीलिए तो ये हरकत किया होगा। दुनिया भरी गाड़ी खड़ी है, मेरी गाड़ी से उंगली कर दिया है, वो तो अच्छा हुआ खड़ी है, वो भी जिसका लॉक है उसी का ही पाइप क्यों कटा, और वो भी वो तो गाड़ी का। वो तो अच्छा हुआ, मेरे मन में क्या आया, मैंने चलो जाके थोड़ा ग्राउंड मार के आते, मेरे को गोली चाहिए चाहिए, तो हमने गोली ले ली है। अब गोली लेने के बहाने आए थे हम लोग, तो ये उड़ गई आती। तो कोई बात नहीं, कर लो, बहुत सारा पेट्रोल रहेगी तो सामने करोगे, हिम्मत नहीं तभी पीठ पीछे करोगे। और मुझे पता भी नहीं कि मतलब पाइप कटा हुआ है, मैंने ऑन किया पाइप पेट्रोल का, चाबी ऑन किया और भरपूर भर पानी गिर रहा है, मैं बोला शायद पेट्रोल गिर रहा है, मैं सोचा शायद वो पानी गिरा होगा, जैसे इसमें बारिश भी ना, मैं सोचा पानी नहीं जम क्या रहेगा, पानी गिरा होगा, मैं ये सोचा, और वो गिरते आ रहा है, गिरते आ रहा है, गिरते आ रहा है, गिरते आ रहा है। और दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, फटाफट क्या करूं, क्या करूं, मैं देखी पाइप में से फेरा, बोले दिखाओ, ऐसा देखी फ्लैश लाइट चला के मैं फट से ना उंगली रख दी, मैं बोली अरे मैं पकड़ी हूँ, तो बोलते पाइप में भरा हुआ, तो टेंशन नहीं है, यहाँ से बहता है। अब मुझे थोड़ी मालूम कि लॉक क्या लगा है, वहाँ से बहता है पाइप में जब मेरा तो जमा हुआ हुआ पेट्रोल है, मैंने तो दोनों पेट्रोल बचा लिया ना, है कि नहीं, फिर मैंने तो फट से उंगली लगा दिया मैंने, कोई नहीं, चलो देखते हैं बदला लेगा जरूर।
ऊपर वाले लेंगे जरूर, मैं तो नहीं लूंगा पर ऊपर वाले लेंगे। अल्लाह ताला बहुत बड़े हैं, तो जो भी करो वो सब देखते ठीक है। हम इसीलिए कोई गलत काम नहीं करते क्योंकि हमको पता है कि जो आप करोगे ना उसका भुगतान तुमको मिलेगा यहीं। इसी दुनिया में भुगत के जाना है, और अगर एक्सीडेंटली मर गए तो उसका डबल भुगतान हुआ है, वो चीज़ अलग है, लेकिन यहाँ तो आपको भुगतना ही भुगतना है। तो इसीलिए हम भी अगर जो चीज़ करते हैं ना वो सोच समझ के करते हैं। इसलिए मैं अपने आप, इसी वजह से मैं अपने आप पे बहुत गर्व करता हूँ। किसी का दिल दुखाना करना ये सब काम हमारे है ही नहीं, ना किसी से बदला लेना, ना किसी को तकलीफ पहुँचाना, या झूठ बोलना, या किसी के बारे में गलत बोलना बिना किसी को जाने। अल्हम्दुलिल्लाह हमें गर्व है अपने आप पे, और हमें गर्व है हमारे माँ बाप की सीख पे, जो हमारे माँ बाप ने हमें दी है, वो इनकी वाली सीख गोटी नहीं, सीख वाली सीख। तो ये चीज़ याद रखिए आप लोग भी, जो जो करेगा ना, जैसा करेगा ना वो वैसा भरेगा। तो चलो अभी घर पहुँचते हैं, जाते हैं फटाफट। चलो फटाफट। तो फाइनली हम घर पे आ चुके हैं। बैठ चुके हैं, गोली भी खा लिया, अभी थोड़ा सा आराम हुआ है, लेकिन थोड़ा सा डकार आ रही ना, ऐसा लग रहा है कि हाँ ऐसा लग रहा है अभी वॉमिटिंग हो जाएगी, एकदम अजीब एकदम गुस्से वाला। पर ये मेरे को बहुत ज़्यादा होता है, और कभी कभी सुकून मिलता है, आराम मिलता है, पर कभी कभी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो चलो कोई नहीं, इसी तकलीफ को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं, और दुश्मनों की खबर मत करो, तेरा भाई तबाही मचाएगा, है कि नहीं। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट में बताना, ठीक है। खुशबू, खुशबू अभी तक आ रही है पेट्रोल के हाथ से, बहुत सब बच्चे लोग सो गए, गोली मैंने फिर भी आ रही है, बज रहा है ढाई, हमको बहुत है ढाई, हमारे नवासे से मिलने बारिश चालू हो गई, और रुकी ऐसे टाइमिंग पे जब तक सुकून होने का टाइम हो जाता, 10:30 बजे का टाइम, इसलिए हम लोग नहीं गए। तो चलो फिर मिलते हैं अगले दिन, कोई और दिन, कल जुम्मा है, आप लोगों को जुम्मा मुबारक, आप सभी को जुम्मा मुबारक, जल्दी जल्दी दिन जा रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छे वक्त जल्दी गुजर जाते हैं और बुरे वक्त भी गुजर जाते हैं, बट वो हमें ऐसा लगता है जैसे बहुत लंबे, बहुत लेट गुजर जाते हैं। सब चीज़ को हंसते खेलते डाल देना चाहिए। हाँ, तो चलो अल्लाह हाफिज है, मिलना हमको वापिस है, सिंगम खाओ चपाती, यूट्यूब चलाओ डब्बा के। अरे वो किधर गया, पेट्रोल का पिका था आज तो दोनों बच्चों को, पेट्रोल का ढक्कन ना हसनैन का सुनने मिल रहा है, ना उमेर का, वो भी सो गया, वो भी सो गया, देखो कैसा फाड़े दे रहा, आधा निकाल दिया मैंने, ये ताज़ा ताज़ा कटा हुआ था, एकदम ताज़ा ताज़ा, ऐसा लग रहा है किसी ने ऐसा मार के खींचा है बहुत जोर से। चलो कोई नहीं, पेट्रोल महंगा हो गया ना, इसलिए लोग भराने दम नहीं होगा, इसलिए पेट्रोल चोरी हो गया। चलो गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।